विजयदशमी के मौके पर ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराए जाने का वीडियो हुआ वायरल। हिंदूवासी संगठन के एक कार्यकर्ता ने ताजमहल के अंदर घुसकर भगवा झंडा फहराया और शिव चालीसा का भी पाठ किया। हालांकि वायरल हुए इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से झंडा फहराया गया है उससे ताजमहल के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवा झंडे संग शिव आराधना कर रहे शख्स की पहचान आगरा हिंदू जागरण मंच के युवा जिला अध्यक्ष के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक हिंदू जागरण मंच के युवा जिला अध्यक्ष गौरव ठाकुर द्वारा पिछले 5 वर्षों में करीब 5 बार ताजमहल के अंदर शिव आराधना की गई और भगवा लहराया गया। गौरव ठाकुर का दावा है कि विश्व की अनमोल धरोहर ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि उनके आराध्य भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। उनका कहना है कि वे पहले भी शिव आराधना कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। गौरव ठाकुर की मांग है कि कथित ताजमहल तजो महल है, ये सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। उनका दावा है कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया यह ताजमहल किसी मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि हिंदू आस्था का केंद्र है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ताजमहल की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हो रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी खुली चुनौती है।